अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और जनाब, आज हमने बनाई है खीर जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखें, गाढ़ी गाढ़ी खीर, इसे मैंने घोट भी लिया था, बहुत अच्छे से बन गई है ये। और ड्राई फ्रूट जो हैं वो काटे हुए थे मैंने, अभी इसके अंदर शामिल नहीं करे थे क्योंकि ये हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्म, इसलिए अभी मैंने काट के इनको रख लिया था, काजू और बादाम। हस्बैंड के लिए मैंने फीकी खीर निकाली थी क्योंकि शुगर की वजह से वो चीनी वाली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फीकी निकाल दी है मैंने। उनकी खीर में ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। इतनी मज़ेदार लग रही है खीर, बहुत ही मज़ेदार। और अपनी खीर में भी हमने ड्राई फ्रूट अब डाल दिए थे जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो चलें अब पढ़ लेते हैं मगरिब की नमाज़। और यहाँ देखें, मेरा तुम नमाज़ नहीं पढ़ रही हो? मेरा नमाज़ नहीं पढ़ रही है, तो मैं बाबा से इसकी शिकायत बोलूँगी। आशर जो है वो नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया है और अब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। अभी हम बना रहे हैं पूरी और खीर के साथ आलू की सब्ज़ी। तेल जो है वो यहाँ पर गर्म हो गया है, अब मैं डालूँगी ज़ीरा। और चलें जल्दी से हम बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी। पूरियाँ बनाने के लिए मैदा मैंने ले लिया है जिससे मैं छान रही हूँ। मैदे को मैंने छान लिया है पूरी बनाने के लिए। आटा हो मैदा हो उसको छानना ज़रूरी होता है, इसलिए कि छोटी छोटी सी जो गड़ाड़े होती हैं वो निकल आती हैं, इसलिए लाजमी छान कर ही इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि फिर कचरा ज़रूर निकलता है। ये देखें ये भी सुरेली, इसलिए छान के ही इस्तेमाल करें। पूरियां बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पेड़े भी बन गए हैं और तेल जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो चलें अब हम पूरी को बेल के और सेकते हैं। पूरी हमने डाल दी है, जल्दी से इसको सेक लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, इतनी सिकी हुई पूरियाँ अच्छी लगती हैं। नीचे से भी सिक गई है अच्छे से। चलो ऑयल इसका सारा निकाल देते हैं, वरना बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं तो खाई नहीं जाती हैं। चलो यहाँ पर हमारी पूरी बन गई है। आ जाओ बेटी, आ जाओ मेरा मेरा। खाना हो चुका है हमारा तैयार, पूरी है, खीर है, साथ में सालन है और ये दो बच्चे हैं जो कि खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। मासूम बच्चे है ना, मासूम बच्चे हो ना तुम। और ये देखें मज़ेदार सा खाना, आराम जाओ। जो इधर आओ मेरे पास, आप ही जाओ। अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मेरा इधर आइए, बैठ जाइए यहाँ पर। क्या खाया आपने? दही नहीं था वो, सही से बताओ क्या खाया? खीर खाया। तो आपकी मम्मी ने आज क्या पकाया है? आलू गोश्त। खीर खा के आलू गोश्त बोल रही हो? बात सुनो मम्मी ने पापड़ी बनाई है। क्या बात हो गई भाई, आज मम्मी ने तुम्हारी बनाई है खीर पूरी है। अभी आप जो खा रही थी वो थी खीर, और जिसको आप बोल रही हो कि ना क्या आलू गोश्त, वो सालन था आलू का। आई बात समझ में? क्या आलू का छमादा है? आलू का सालन। बैठ जाओ बैठ जाओ। आलू का सालन,
चलो आप ही इधर आओ भाई, आप ही आज स्कूल गई थी। मेरा इधर आके बैठ जाओ भाई। आप ही को क्या बनाया था टीचर ने? बिल्ली बनाया था। क्यों? पेंटिंग डे था। पेंटिंग डे था आज। क्या था? पेंटिंग डे। पेंटिंग बना रही थी टीचर, नाक पे ऑरेंज और यहाँ पे येलो। अच्छा, आज मेरा आपने देखा था, आप ही को कैट बनाया था इनकी टीचर ने। आई थी ना स्कूल से, फिर दिखाया था ना आपको। क्या कर रही हो मेरा? है चमचे है ना, मैं चुखुजी मचा रही हूं। क्या किया है आपने चमचे? चमचे से क्या पिया है अभी? अब दवाई। दवाई पी है? कौन सी दवाई पी है? हैं, नज़ले की दवाई पी है मेरी मुन्नी ने। अल्लाह, बुखार हो रहा है मेरे को। झूठ कम बोला कर, बुखार हो रहा है। झूठ कम बोला करो, ज्यादा नहीं बोला करो। अच्छा, नहीं करो बात, हमें भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो फ्रेंड, इसी के साथ ही अपने व्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।